हेलो दोस्तों, तो एक बार हम फिर आ चुके हैं आपके लिए एक नया तड़कता भड़कता वीडियो लेकर। तड़कता भड़कता, अच्छा चलो छोड़िए, हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड VST के बारे में। और हमारी स्क्रीन पर अभी खुला है नेक्सस रेफ्यू नेक्सस नेक्सस प्लगइन। बहुत ही टाइम से DJs और इंस्ट्रूमेंट VST के रूप में बहुत ही पॉपुलर है, तो मैंने सोचा कि आपको इसका रिव्यू कर दूं और इसका यूज़ बता दूं कि आप इसके यूज़ कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िल्टर मॉडिफायर की। तो यहाँ पर हमें एनवलप मिलते हैं, रिलीज़ मिलते हैं, कट मिलती है। कट हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसकी एक ऑटोमेशन भी बना सकते हैं, अटैक डिके और सस्टेंड रिलीज़। ये सब हमारे फ़िल्टर के मॉड्यूलर्स हैं। उसके बाद हम मास्टर फिल्टर पे आएंगे। यहाँ पे हमारी कट ऑफ वापस सही, ये एनवलप जो हमारी टोन की सेटिंग का एनवलप है वो वाली फिल्टर मॉडिफायर है, और ये हमारा मास्टर फिल्टर है। उसके जस्ट बाद हम चलेंगे, उसका डीले आ जाता है, हमारा डीले यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम डीले को पिंग पोंग करेंगे, क्रॉस करेंगे, स्टेरियो रखेंगे या मोनो रखेंगे। यहाँ से हम उसका टाइम, फीडबैक, लो कट, हाई कट, मोड, हाँ सही टाइम पे बजाए। तो फिर इस तरह से हम इसकी डिले को सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बंद कर देंगे, इसका रिवर्ब भी बंद कर दिए थे थोड़ी देर। अभी ये डिले चालू किया, ये डिले डिले चालू हो चुका है। और हम इसको अपने हिसाब से मोनो, स्टीरियो और क्रॉस तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। फीडबैक चाहे तो बढ़ा सकते हैं, टाइम चाहे तो बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है रिवर्ब। रिवर्ब का हम ऑन करते हैं, और इसका प्री डिले, मिक्स और मोड मोड लो कट हाई कट इसमें भी है। हमें ड्राई को कितना रखना है और मिक्स को कितना रखना है, इस मिक्स बटन से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये हमारा एम्पलीफायर मॉडिफायर है, इसमें पेन कर सकते हैं हम इधर उधर। राइट एंड लेफ्ट ईयर्स के लिए हम इसको सेट कर सकते हैं, स्प्रेड कितना स्प्रेड होना चाहिए। राइट लेफ्ट पेनिंग के लिए काम आएगा। अटैक डीके सस्टेंस इसमें भी है। उसके बाद ये हमारा आउटपुट का वॉल्यूम है, आउटपुट का वॉल्यूम। ये दोस्तों हमारी हो गई मेन फ्रंट की बात। उसके बाद दोस्तों, ये हमारी लाइब्रेरी है, हमने इस पर लाइब्रेरी पे क्लिक किया हुआ है तो हमारी लाइब्रेरी खुल जाती है। हमारी लाइब्रेरी है जिसमें कम से कम नहीं तो भी हम 10 GB के ऊपर इसकी लाइब्रेरी मेरे पास अभी मौजूद है। तो ये मैं आपको इसकी आगे वीडियो में पूरा इसका डेमो दूंगा जितना मेरे से हो सकेगा। उसके बाद दोस्तों, हम लाइब्रेरी को छोड़ के बात करते हैं मोड की। तो मोड में दोस्तों हमारे पास है अलग अलग तरह के मोड हैं, इसमें हम मॉड्यूलेशन ऐड कर सकते हैं। और हमारे खास मॉड्यूलेशन में हमारे पोर्टामेंटो आता है। पोर्टामेंटो हम जैसे इसका ऑन करेंगे तो हमारे पास तीन ट्रिगर हैं, पोलियो क्या बोलते इसको, सॉरी, प्ले और ट्रिगर और लेगाटो। तो हम इसको पोली लेगाटो करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बजता है। से हम पोर्टामेंटो इसका ऑन कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल हो चुका है, नॉर्मल हो गया। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से इसका पोर्टामेंटो ऑन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, इसमें और कुछ खास नहीं है बाकी सब। हम आर्पेचर मोड पे आते हैं, आर्पेचर हम बनाते नहीं हैं तो ये भी कुछ खास मोड नहीं है। वैसे इसको हम चाहे तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कितनी आर्पेचर ऑक्टेव कहाँ तक जाएगा, स्पीड कितनी रखनी है, गेट का इसमें गेट कितना आना चाहिए है। गेट का मतलब वॉल्यूम से है दोस्तों, कितनी वॉल्यूम आएगी, कितनी वॉल्यूम जाएगी, लेंथ कितनी रखना चाहते हैं। उसके बाद आर्पेचर मोटर हमारा इतना इफेक्टिव या फिर हम इसमें बनाएंगे तो इससे अच्छा तो हम हमारे एफ एल स्टूडियो में बहुत सारे फंक्शन हैं तो उसी से क्यों नहीं बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता टैग। टैग में दोस्तों हम इसको मोनो कर सकते हैं, स्टीरियो कर सकते हैं, सेपरेट मोड पे चला सकते हैं जिससे हमें
राइट में अलग टोन और लेफ्ट में अलग टोन, और मोनो कर देंगे तो इसको सेंटर में एक टोन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उसकी स्पीड और कुछ सेटिंग्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी में हम फ्रिक्वेंसी के साथ भी खेल सकते हैं, इस किसी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाकर और नई टोन को डिज़ाइन कर सकते हैं। मिक्स में दोस्तों हमारे पास है, हम इसका कोरस रखना चाहते हैं या फ्लेंजर पेजर असेंबल, ये सारे इसके इफेक्ट हैं एक तरह से, तो हम इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस में ये इस तरह से इसका लोगो है और कुछ भी नहीं, SYS सिस्टम। तो सिस्टम में हमारे पास है ट्रांसपोज। तो दोस्तों अगर हमें किसी की को ट्रांसपोज करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो हमारा कीबोर्ड में ट्रांसपोज का बहुत ही अच्छा सेटिंग है, तो हम उसी से इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। लेकिन अगर बाय द वे आपको कोई टोन को मिक्स करके इसमें ऐड करना है और ट्रांसपोज का उसमें लफड़ा पड़ रहा है, तो आप यहाँ से इसको की को चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी दो चार सेटिंग्स हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास सिस्टम सिस्टम में ही हमारे पास एक इसका कलर चेंजिंग का ऑप्शन आ जाता है। सिल्वर रखना चाहें, ब्लैक करना चाहें, या गोल्ड, या गोल्ड या गुड मैट्रिक्स और सिल्वर, या फिर वाइटनेस, White 2 और White 1, ठीक है। तो इस तरह से इसका है, मेरे को ये अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। डेस्कटॉप और इम्पोर्ट डाटा। इम्पोर्ट डाटा में दोस्तों हमारा जो वो फाइल होता है, जो कि मेरे पास 10 GB का है एक्सटेंशन फाइल, तो वो यहाँ से इम्पोर्ट होता है दोस्तों। ये इस तरह से जिप फाइल, NSK की इस तरह से इसके टाइप हैं। तो ये इसकी फाइल को ओपन यहाँ से करते हैं। थोड़ी देर रहेगा, ये लोड होएगा, उसके बाद ये इसमें सिस्टम में लाइब्रेरी में चल जाएगा और उसके बाद ये अंदर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाली बात थी हमारे पूरे सिस्टम को, ये किस तरह से है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी लाइब्रेरी की। तो हमें यहाँ कुछ आरपेजिएटर्स मिल जाते हैं। आरपेजिएटर में हमारे पास इस तरह के डबल क्लिक करने पर हमें ये ऑन होके दिखाएंगे, डबल क्लिक, और हमने इसको चालू किया अपने कीबोर्ड से। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से इसके आर्पेजिएटर हैं, बहुत ही कमाल के हैं। हम इसको अपने सॉन्ग्स में बीच में कहीं पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है बेस। बेस में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बेस हैं। तो इस तरह से दोस्तों लिस्ट काफी लंबी है बेस की। फिर मैं आपको कुछ रैंडमली आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम क्लासिकल लाइब्रेरी पे चलेंगे, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी।
है, इस तरह से इसकी बेस की लाइब्रेरी है। उसके बाद हम बात करते हैं सीधे हमारे क्लासिकल, तो हमारे पास है हॉलीवुड ब्रास, बहुत ही अच्छे हॉलीवुड ब्रास है। उसके बाद हमारे पास है एंजल हार्प, और उसके जस्ट बाद हमारे पास फ्लूट एंड स्ट्रिंग्स, बहुत ही अच्छे फ्लूट। चेस्टर उसके बाद हमारे पास प्लेटिनम हिट, हमारे पास सॉफ्ट ऑर्केस्टर, पियानो एंड गिटार्स, स्ट्रिंग्स कोर्स असेंबल। टेप स्ट्रिंग्स, बहुत ही अच्छी टेप स्ट्रिंग्स है। उसके बाद डेंस गिटार और फ्यूज गिटार, गिटार स्ट्रम्स, स्ट्रम्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे। उसके बाद दोस्त हमारे रेनी मॉर्निंग, ये भी ये हमारा चीप डांस ऑर्गन, ज्यादा खास नहीं है। स्ट्रिंग्स, जस्ट बाद हमारे सेकंड स्ट्रिंग्स, थर्ड स्ट्रिंग्स,
ड्रामा स्ट्रिंग्स। और उसके बाद हमारा सेलो, एक बार हम इसको थोड़ा सा मोड लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा, तो ये शायद थोड़ा सारंगी जैसा फील दे रहा है। बाद हम चलते हैं हमारी हॉलीवुड वॉयलेंस पे। हाइब्रिड स्ट्रिंग्स बहुत अच्छी है। नेक्सस के लिए और इन प्रीसेट्स को लाइव बजाने के लिए आपका पीसी में या लैपटॉप पे थोड़ा दम होना चाहिए, तो इन टोनों को आप जरा संभल के बजाइएगा। थर्ड हमारी हाइब्रिड स्ट्रीम, दोस्तों हमारे पर डेंस पिकोलो है, इसमें थोड़ा सा लेगाटो मिक्स हुआ है, बहुत अच्छा फील दे रहा है। और ये जापानीज टाइप की है फ्लूट, पैन फ्लूट। उसके बाद हमारे पास है संकोची, उसके बाद हम चलते हैं अपनी डांस लीड पर। तो लीड में हमारे पास सारे इंग्लिश जो गाने हैं, हॉलीवुड गाने हैं या जो वेस्टर्न म्यूजिक है उस टाइप से हमारे पास लीड है, इस तरह से साउंड करती है। Thank you.
इतनी सारे टोन्स है दोस्तों इसमें कि इनको छाट के रखना या फिर इनको एक एक करके ध्यान रखना ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा। तो इन्जॉय करें, बहुत सारे टोन्स हैं हमारे पास। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है, बहुत सारे लीड्स है अभी तो हमारे पास। पता नहीं ट्रम्पेट को भी उन्होंने क्या बना दिया, जर्मन ट्रम्पेट। दोस्तों अभी तो ये डेंस लीड खत्म हुए हैं, उसके बाद अभी बहुत सारे प्रीसेट्स वगैरह हैं। तो ये देखिए इस तरह से लाइब्रेरीज हमारे पास बहुत सारी मौजूद है। तो उसके बाद हम इपिक पैड्स की बात कर लेते हैं। इपिक पैड्स में हमारे पास है, हमारे पास बहुत अच्छा पेड़ है। ये पेड़ आपको बड़े बड़े पियानोस में, यानी कि जो हमारे पास रोलेंड के जो हाई फाई पियानोस होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हम नेक्सस के दूसरे वर्जन में इसको देख पा रहे हैं, और इसकी प्लगइन और पूरा का पूरा हमारे पास सेटअप है। तो कि क्योंकि हम 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा तो नहीं कर सकते, तो हम उसका मज़ा इसी में लेते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसमें प्रीसेट्स मौजूद हैं। तो आइए थोड़ा सा बोर ना होते हुए इसको चेक करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। तो कम से कम एक लाइक तो इस वीडियो को बनता ही है, तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये भी हमें नीचे बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं।
दोस्तों हमारे पास फैंटेसी एंड ड्रीम्स हैं, तो इसमें हमारे पास हर तरह की बेल टोन्स वगैरह आएंगे। दोस्तों कम से कम इस टोन में हमारे पास 5 से 6 हज़ार टोन्स होंगी, या ज़्यादा भी हो सकती हैं, गिना तो हमने भी नहीं है, पर बहुत अच्छी टोन्स है इसमें। मतलब अगर आप इस इन सारे प्रीसेट्स बैंक को आप चेक करने बैठेंगे तो आपको 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है इपिक फैंटेसी हो गया, गेट पेड आते हैं। गेट पेड में हमारे पास इस तरह से कुछ पेड होते हैं, और इसके पियानो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। के बाद हमारे पास डांसिंग, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग पियानोस, और ये हीरा, ये बहुत अच्छा कोडिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने सी से कोडिंग बनाए हुए हैं 2-3 जगह। जैसे हमारे पास बहुत सारे पियानोस आ जाते हैं, ऑक्टापेड पियानो, दोस्तों हम प्लग के ऊपर चलते हैं। बहुत अच्छे प्लग से इसमें
डांस सीक्वेंस में हमारे को बहुत अच्छा लगा है, इसको हमने बहुत सारी जगह पे यूज़ भी किया है। लाइब्रेरी के ऊपर चलते हैं, तो हमारी फेवरेट लाइब्रेरी है हमारी ऑर्केस्ट्रा, तो एक्सपी डांस ऑर्केस्ट्रा, तो इसमें हमें पियानो कॉन्सर्ट मिल जाता है बहुत अच्छा। उसके बाद हमारे पास ये है बेसोन सोलो, तो उसके बाद ये ब्रास सिंबल, बहुत ही तगड़ा बहुत ही अच्छा ब्रास है, पूरी डायनेमिक रेंज है, बहुत ही अच्छा सिनेमेटिक ब्रास है, आइए एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हैं और बाकी के नीचे हैं, हम उन्हें भी चेक कर लेंगे बाद में, पर ये लाइब्रेरी बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही अच्छा चाहे डार्कोन, अच्छी अच्छी ब्रास है, पता नहीं है क्या मांग रहा है। प्लीज इंस्टॉल एक्स्ट्रा एंड द एक्सपेंशन ऑफ रोटर मोटर।
डांस है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छी स्ट्रिंग्स है। उसके बाद हम फ्लूट असेंबल पे चलते हैं। अगर एक स्टूडियो मास्टर हैं और आपको इन टोन्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे ये टोन्स खरीद सकते हैं। हालांकि इस नेक्सस के साथ बहुत सारे प्रीसेट पहले से ही आते हैं, लेकिन ये XPS 10 ऑर्केस्ट्रा का जो पैक है ये हमारे पास मिलेगा आपको। अगर आपको चाहिए तो हमसे संपर्क करें, आपको उचित दाम पर और सस्ते दाम पर आपको ये पूरा सेटअप पहुँचा दिया जाएगा। गैस गेट आ चुका है। गोल्डन हॉर्स हॉर्न ये भी बहुत अच्छे हैं। हमारा गिटार स्ट्रम्स मेजर बहुत अच्छा है। माइनर, हार्प एंड स्ट्रीप, वायलिन, तो ये तो मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं लगते, पर इसकी बहुत सारी टोन्स और भी हैं, जैसे जुरासिक ब्रास इनमें बहुत अच्छा है। मार्च ड्रम्स, ओनली वन क्लिक और आप अपनी पिच के हिसाब से इस ड्रम को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेटल पार्ट और ओबे। की टेंशन, टेंशन।
फुल ऑर्केस्ट्रा, और इस ऑर्केस्ट्रा में आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा टच। तो ये टच है हमारे C2 C1 उस साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे जहाँ पे हम कोड लगाते हैं, बहुत ही अच्छा ड्रम लगता है और बाकी हम टोन भी प्ले कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा डेमो। दोस्तों मैंने ये अभी लाइव परफॉर्मेंस दिया है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे ऑर्केस्ट्रा का फुल वर्जन। और अगर हम इसको किसी लाइव प्रोग्राम में बजाते हैं तो माउली कुछ अलग हो जाता है। इसके बाद हम ये भी कुछ इसकी जैसा ही है, सेम टू सेम, खाली ड्रम चेंज हुआ है। उसके बाद हमारे पास पियानो आता है और बहुत ही अच्छा पाइप ऑर्गन। जा रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें प्रीसेट हमको दिए हुए हैं। और ये देखिए सिंगिंग दीवा, जो कि बहुत ही भारी सॉफ्टवेयर है, और ये शो हमारे भी नहीं चल रहा, सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम इस एनएक्सएस की पूरी फाइल को हम दोबारा रिस्टोर मार लेंगे एक बार, पता नहीं आज क्यों क्या हो रहा है इसके। स्प्लिट हारमोन, स्प्लिट हॉर्न एंड स्ट्रिंग्स हैं, बहुत अच्छी। गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार है, अच्छा है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्ट्रिंग्स की ओर। स्ट्रिंग्स में ये वाली स्ट्रिंग्स बहुत अच्छी थी मेरे लिए। जस्ट बाद हम चलते हैं हमारे पास और भी बहुत सारी, जैसे ये कि टिम्पानी, ओ ये भी याद नहीं चल रही, पता नहीं इसके क्या हो चुका है आज। ये हमारा ट्रम्पेट है, लीड प्लस ट्रम्पेट, बहुत अच्छा ट्रम्पेट। अच्छा, और ये हमारा विक्टर बेस, बहुत ही अच्छा बेस ब्रास।
सॉरी ब्रास है ये। पास बहुत सारे इसके प्रीसेट्स हैं और ये हमारा क्रिसमस बहुत अच्छा। अभी तक तो मैंने इसके पूरे प्रीसेट देखे नहीं, क्योंकि मेरे पास कम से कम लाखों प्रीसेट होंगे और लाखों टोन्स होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपकी बहुमूल्य राय ज़रूर दीजिएगा, और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आप ज़रूर बताइए एक बार। तो ये कुछ इस तरह से नेक्सस के प्रीसेट्स हैं, और प्लगइन आपको ये नेक्सस की चाहिए तो आप नीचे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। बाकी आप ये सब देख चुके हैं डेमो, और बहुत सारे टोन्स हैं। आगे हम ऐसे ही नए नए VSTs और आपसे आपको एक अच्छा स्टूडियो मास्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तो हम चलते हैं, बाय।